जैक रिचर्ड नेवर गो बैक मूवी के फैक्टोर जैक रिचर नेवर गो बैक 2016 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्सल हैस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित है दो की यह फिल्म जैक रिचर की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और कॉम्बी इस मलर्स जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस हु, और एल्डिस होस का या रोस होल्ट और रॉबर्ट नेपर शामिल है के सिन। सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक पटकथा रिचर्ड विकास केंक और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्कोर हस्कोरविटेज है आधारित है ली पर और ने, द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर मैक द्वारा अभिनती है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी इस मार्डल द्वारा अच्छा छायांकर है और वुड का संपादित किया गया बिली वेबर हैनरी जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है टीसी प्रोडक्शन हुआ हुआ, हुआ मीडिया संगाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है सोलह अक्टूबर 2016 को न्यू और में और इक्कीस अक्टूबर 2016 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छिया मिलियन डॉलर का था और इसने काफी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी बीस अक्टूबर दो हजार पंद्रह को न्यू ऑर्लिय अक्टूबर दो हजार सोलह को रिलीज हुई है दुनिया भर में इसने एक सौ बासठ मिलियन डॉलर की कमाई और की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथनाक की आलोचना की कथानक एक सौ अमेरिकी सेना सी आई डी पुलिस को भ्रष्ट ओक ओकलाहोम शेरिफ रेमंडवुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक अन्वे, और मेजर जी रिचर्ड वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डीसी मेजर सुसान टर्नर से मिलने के लिए जिस जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल सेम मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शक्षय से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर्ड का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है। वे टर्नर के वकील आर्मी जे आर्मी जेएससी कर्नल मार्क मू, मूलक्राफ्ट से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मू, मूलक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बड़ झटक देती है मूरक्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया है जो एक पूर्व एसओ सी ओ एम को ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या के लिए, हत्या के लिए रिचर को फंसाया था रिचर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नन को हिरासत में लिया जा रहा था जब जो, जो हिटमैन आते हैं तो वे उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है वे मोरगन के साथ आ जाते यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मोरगन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वह खतरे में हैं और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सेम के पास उसका मोबाइल फोन है जिसे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक पर लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डैनियल ए, पुर्धों, की तलाश में न्यू जाते हैं उन हत्याओं का एक चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह, वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रिचर्ड और टर्नल पर प्रोधोसी को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक एक प्रत्यक्ष गोदाम में पाते हैं प्रोधोदी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरा से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एस्पिन को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और प्रोधोमी तो मारा जाता है जबकि रिचर एक घायल एस्पिन को बचाता है और पैरासोर्स के सी जर्नल जेम्स हार्क ने हार्कने से को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर टर्नल एस्पिन और संसदों को एक टीम प्रोधोमो प्रो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का जाहार है जहां हथियारों को एक खैप रोकते हैं और जहां वे हार्कनेस और उसके लोगों का सामना करते हैं को हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्कनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो सैनिकों की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग रिचर को टकराव के लिए लुभाने के लिए न्यू ऑरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रिचर और टर्नर उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रिचर आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह भोजनान्य में सेम से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन के में सेम से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी माँ को जानता है तो वह उससे पहचानना लेगा क्योंकि वह हर उस हर महिला उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह सोया था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी माँ है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर्ड और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेम में घुस गया था रिचर्ड का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वे सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानक में जैक रिचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुशांत

मेडलिन हॉटचर ने किनलूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट कैटरी ने किदार धोमे के रूप में ओस्टिन हैबर्ट ने किद्दा निभाया है सेमंड वुड के रूप में जेसन डगलिश ने किदार निभाया स्थानीय डि, डिप्टी के रूप में जुड, जुड लोर्म कितने आए नजर आए हैं जब उत्पादन में देखा है जबकि जैक को एक फिल्म संग्रह के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और 9 दिसंबर सन दो को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर 2013 में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी चौदह मई दो हजार चौदह को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे उन्नीस मई दो हजार पंद्रह को डे, डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स जीविक क्रूज के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेगी करेंगे जेविक ने मार्शल हर्स कोविस्ट रिचर बैंक को के साथ पटकथा लिखी जेविक को क्रूज से पहले द लास्ट सुप सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह अगस्त दो हजार पंद्रह कोबिस स्मार को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हेस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास डर गो बैग पर आधारित है 2012 की यह फिल्म जैकीचर की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और कॉम्बिक इस मलरथ जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस हो हु, हो सिंगर और एल्डिस होस डेनिका या रोज होल्ट मैकलनी और रॉबर्ट नेपर शामिल हैं कथानक रीचर के सीन सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक है पटकथा रिचर्ड विकेंस केन और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्कोर हसकोरविटेज है आधारित है ली चार्स ने, पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा जो डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर कि, मैकेस्वी द्वारा अभिनती है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी इस मार्डल्स द्वारा छायांकर है और वुड का संपादित किया गया बिली वेबर दिए हेनरी चेकमेन ने उत्पादन कंपनी है स्काई डांस टीसी प्रोडक्शन हुआ हुआ मीडिया संगाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 अक्टूबर 2016 को न्यू ओरिएंस में और 21 अक्टूबर 16 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया कार्यक्रम 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी बीस 20 अक्टूबर 2015 को न्यू ऑर्लियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई है दुनिया भर में इसने एक मिलियन डॉलर की कमाई करी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथनांक की आलोचना की कथानक एक सौ अमेरिकी सेना सीआईडी सैन्य पुलिस को भ्रष्ट ओकलाहोम उक, रेमंडवुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक और मेजर जी रिचर्ड वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डीसी मेजर सुसान टंडन से मिलने के लिए जिसने जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल सेम मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शक्ष्य से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर्ड का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है। वे टर्नर के वकील आर्मी जे आर्मी जेएससी कर्नल मार्क मू, मूलक्राफ्ट से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मू, मूलक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस डटन ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बढ़ झटका देती है मुरक्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट-पीटकर मार डाला गया है जो एक पूर्व एसओ सीओएम कोर प्रिंट ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या की हत्या के लिए रिचर्ड को फंसाया था रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नन को राहत मिली लिया जा रहा था जब जो, जो हिटमैन आते हैं तो वह उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है वे मॉर्गन के साथ आ जाते यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मॉर्गन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वे खतरे में हैं और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता-पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सैम के पास उसका मोबाइल फोन है जिससे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक पर लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डैनियल ए, पुर्धों, की तलाश में न्यू जाते उन हत्याओं का एकमात्र चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रिचर्ड और टर्नल पर प्रोधोसी को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक प्रत्य एक प्रत्यक्त गोदाम में पाते हैं पुरुधोदी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरा सो, से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एस्पिन को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और प्रोधोमी मारा जाता है जबकि रिचर्ड एक घायल एस्पिन को बचाता है और पैरासोर्स के सी जर्नल जेम्स हार्क ने सेम से को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर्ड टर्नल एस्पिन और सदों को एक टीम प्रोधोमो प्रो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का जाहार है जहां हथियारों को एक खैप रोकते हैं और जहां वे हार्कनेस और उसके लोगों को का सामना करते हैं एस्पिन को एंटीटैग हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्कनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो सैनिकों की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने आ, अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग रिचर को टकराव के लिए लुभाने के लिए न्यू ऑरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रिचर और टर्नर उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रिचर आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह भोजनालय में सेम से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन में सेम से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी माँ को जानता है तो वह उससे पहचानना लेगा क्योंकि वह हर उस हर महिला उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह सोया था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी माँ है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर्ड और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेम में घुस गया था रिचर्ड को फिल्म का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वे सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानक में जेक रीचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सेनेयल पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुसान

मेडलिन हॉटचर ने किदार निभाया है कर्नल मूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट कैटरी ने किदार निभाया डेनियल प्रोधोम के, के रूप में ऑस्टिन हैबर्ट ने किदान निभाया है सेमंड वुड के रूप में जेसन डगलिश ने किदार निभा स्थानीय डि, डिप्टी के रूप में जुड ए, जुड लोरमे आए नजर आए हैं जब उत्पादन में देखा है जब जबकि जैक रिचर्ड को एक फिल्म सक्रम के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और नौ दिसंबर सन दो को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर 2013 में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी चौदह मई दो हजार चौदह को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे उन्नीस मई दो हजार पंद्रह को डे, डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स जीविक क्रूज के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेंगे जेविक ने मार्शल हर्सकोविस्ट के रिचर बैंक के साथ पटकथा लिखी जेविक को के से पहले द लास्ट सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह दो हजार पंद्रह कोबिस को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हैसकोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास डेवर को बैक पर आधारित है 2012 की यह फिल्म जैक रिचर की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और इस स्मर्स जबकि सहायक कलाकारों में पेट्रिस हु, हुशिंगर और एड एल्डिस होस डेनिका या रोस होल्ट मैकलनी और रॉबर्ट नेपर शामिल हैं। कथा नागरिकर के सीन सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक है पटकथा रिचर्ड विकेन्स केन और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्को हस्कोर है आधारित है ली चार्स ने, पर द्वारा नेवर पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा जो डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर कि, मैक द्वारा अभिनती है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी इस मार्डल द्वारा छायांकर है ओलिवर वुड का संपादित किया गया बिली वेबर हेनरी जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है स्काई डांस टीसी प्रोडक्शन हुआ हुआ, हुआ मीडिया संगाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 अक्टूबर 2016 को न्यू ओरि में और 21 अक्टूबर 16 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया कार्यक्रम 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफ़ी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी बीस अक्टूबर दो को न्यू ऑर्लियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर दो हजार सोलह को रिलीज हुई है दुनिया भर में इसने एक मिलियन डॉलर की कमाई और की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथनांक की आलोचना की कथानांग एक सौ दसवीं अमेरिकी सेना सी आई डी सैन्य पुलिस को औक, से रिफ उसके डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अनवेस्क अन्वे, और मेजर जी रिचर्ड वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डीसी मेजर सुशान टंडन से मिलने के लिए जिस जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल सैम मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शक्ष्य से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना संसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर्ड का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है। वे टर्नर के वकील आर्मी जे आर्मी जेएससी कर्नल मार्क मूलक्राफ्ट से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मूलक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बड़ देती है के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया है जो एक पूर्व एसओ सी ओ एम को ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या के लिए, हत्या के लिए रिचर को फंसाया था रिचर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नन को हिरासत में लिया जा रहा था जब जो, जो हिटमैन आते हैं तो वे उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है वे मोर्गन के साथ आ जाते यह, यह नुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मोर्गन को मार देता है और रिचर्ड को वहां फिर से फंसा देता है रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वे खतरे में हैं और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता-पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सैम के पास उसका मोबाइल फोन है जिससे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक पर लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डैनियल ए, पुर्धों, की तलाश में न्यू जाते हैं उन हत्याओं का एकमात्र चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रिचर्ड और टर्नल पर प्रोधोसी को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक परत्य, एक प्रत्यक्त गोदाम में पाते हैं पुरुधोदी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरा सो, से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एस्पिन को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और और तो मारा जाता है जबकि एक घायल को बचाता है और पैरासोर्स के जर्नल जेम्स हार्क ने सेम से को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर टर्नल एस्पिन और सदों को एक टीम प्रोधोमो प्रो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश कर्नेस का जहाज है जहां हथियारों को एक खेप को रखते हैं और जहां वे हरकनेस और उसके लोगों को का सामना करते हैं एस्पिन को एंटीटेक हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया है कि उन्हें यह भी पता चला कि हरकनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो शैनिको की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हरकनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरि, अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग को टकराव के के लिए लु, के लिए लुभाने न्यू में सेम का पीछा करते हैं जबकि रिचर और टर्नर उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रीचर आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर्ड द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह वे भोजनालय में से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन के में से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी माँ को जानता है तो वह उससे पहचान लेगा क्योंकि वह हर उस हर महिला उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह सोया था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी माँ है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेब में घुस गया था रिचर्ड को का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वह सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानक में जैक रिचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुशांत टर्नर के रूप में कोबी स्मालर्स ने किरदार निभायान के रूप में निभाया के रूप में जेसिका या, स्ट्रोक ने किरदार निभाया हंटर के रूप में पैट्रिक हॉन्ग सिंगर ने किरदार निभाया कर्नल से मार्गन के रूप में होल्ट मैकली किरदार निभाया जनरल जेम्स हार्गनेस के रूप में रॉबर्ट नेपर्ड ने किरदार निभाया है और सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉटचर ने किरदार निभाया कर्नलक्राफ्ट के, के रूप में रॉबर्ट कैटरी ने किदार निभायाबर्ट ने किरदार निभाया है सेमंडवुड के रूप में जेसन डगलिश ने किरदार निभाया स्थानीय डि, डिप्टी के रूप में जुड, जुड लोमे आए नजर आए हैं जब उत्पादन में देखा है जबकि जैक रिचर्ड को एक फिल्म सक्र के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और 9 दिसंबर सन 2013 को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर 2013 में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी और मई 2014 को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे 19 मई 2015 को डे, डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स जीविक क्रूज के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेगी करेंगे जेविक ने मार्शल हर्सकोविस्ट के रिचर बैंक के साथ पटकथा लिखी जेविक को क्रूज के से पहले द लास्ट सुपर सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह अगस्त दो हजार पंद्रह कोबिस स्मार्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था थ्रिलर फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हेस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास को बैक दो बैक पर आधारित है 2012 की यह फिल्म जैकर की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और कॉम्बी मर्डर्स जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस हु और एल्डिस होस मैकलनी और रॉबर्ट नेपर शामिल है कथानिचर के सेन। सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक पटकथा रिचर्ड विकास केन्क और एडवर्ड जीविक और मार्सलो हस्कोरविटेज हस्कोर है आधारित है ली पर ने, द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर मैक द्वारा अभिनती है टॉम क्रूज और बॉबी को इस मार्डल द्वारा छायांकर है ओलिवर वुड का संपादित किया गया बिली वेबर संघी हेनरी ने उत्पादन कंपनी है इसका प्रोडक्शन हुआ हुआ मीडिया संघाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है सोलह अक्टूबर 2016 को न्यू और में और इक्कीस अक्टूबर सोलह को संयुक्त तो राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया कार्यक्रम 118 मिनट देश संयुक्त तो राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छिया मिलियन डॉलर का था और इसने काफी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी बीस अक्टूबर दो हजार पंद्रह को न्यू ऑर्लियस अक्टूबर दो हजार सोलह को रिलीज हुई दुनिया भर में इसने एक सौ बासठ मिलियन डॉलर की कमाई के लिए और की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथना की आलोचना की कथानांक एक सौ दसवीं अमेरिकी सेना सीआईडी सैन्य पुलिस को भ्रष्ट ओक ओकलाहोम शेरिफ रेमंडवुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक अन्वे, अन्वे और मेजर जी रिचर्ड वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डीसी मेजर सुसान टंडन से मिलने के लिए जिस जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल सैम मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शक्ष्य से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर्ड का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है। वे टर्नर के वकील आर्मी जे आर्मी जेएससी कर्नल मार्क मूलक्राफ्ट से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मूलक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस डटन ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बड़ झटक देती है मूरक्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया है जो एक पूर्व एस ओ सीओ एम को ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या के लिए, हत्या के लिए रिचर को फंसाया था रिचर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नन को हिरासत में लिया जा रहा था जब जो, जो हिटमैन आते हैं तो वह उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है वे मोरगन के साथ आ जाते यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मोरगन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वह खतरे में है और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता-पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सेम के पास उसका मोबाइल फोन है जिससे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से पुर्धों, टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह, वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रिचर्ड और टर्नल प्रोधोसी को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक प्रत्य एक प्रत्यक्त गोदाम में पाते हैं पुरुधोदी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरा सो, से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एसपिन को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और मारा जाता है जबकि रिचर एक घायल एसपिन को बचाता है और पैरासोर्स के सी जर्नल जेम्स हार्क ने सेम से को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर टर्नल एसपिन और सदों को एक टीम प्रोधोमो प्रो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का जाहार है जहां हथियारों को एक खैप को रखते हैं और जहां वे हार्कनेस और उसके लोगों को का सामना करते हैं को हथियार मिले, जैसा कि प्लाइट में घोषित किया गया कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्कनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो सैनिकों की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरिका अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग रीचर को टकराव के लिए लो लुभाने के लिए न्यू ऑरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रीचर और टर्नर उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रीचर आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रीचर द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह भोजनाने में सेम से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन के में सेम से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी माँ को जानता है तो वह उससे लेगा क्योंकि वह हर उस हर महिला उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह सोया था सामंथा को खुलासा किया कि 24 वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी मां है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर्ड और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी में घुस गया था रिचर्ड फिल्म का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानक में जैक रिचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुशान टर्नर के रूप में कोबी स्मलर्स ने किरदार निभाया, एस्मिन के रूप में निभाया किरदार निभाया हंटर के रूप में पैट्रिक हॉन्ग सिंगर ने किरदार निभाया कर्नल से मार्गन के रूप में होल्ट मैकली किरदार निभाया है जनरल जेम्स हार्गनेस के रूप में रॉबर्ट नेपढ़ ने किरदार निभाया है और सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉटचर ने किरदार निभाया है कर्नल मूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट के कैटरी ने किरदार है डेनियल प्रोधोमे के रूप में ऑस्टिन हेबर्ट ने किरदार निभाया है सैरी ब्रेमंड वुड के रूप में जेसन डगलिश ने किरदार निभाया स्थानीय डिप्टी के, डि, डि, के रूप में जुड ए, जुड लोरमंड आए नजर आए जब उत्पादन में देखा जबकि जैक रिचर्ड को एक फिल्म सेक्टर के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और 9 दिसंबर सन 2013 को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर दो में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी और चौदह मई दो हजार चौदह को यह बताया गया कि टॉम टोम जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे उन्नीस मई दो हजार पंद्रह को डे, डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स जिविक क्रूज के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेगी करेंगे जेविक ने मार्शल हर्स कोविस्ट रिचर बैंक के साथ पटकथा लिखी जीविक को क्रूज से पहले द लास्ट सुपर सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह अगस्त दो हजार पंद्रह कोबिस स्मार्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था तीसरा फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हेस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास डर को बैग पर आधारित है 2012 की यह फिल्म जैक रिचर की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और कॉम्बी इस मल्डर्स जबकि सहायक कलाकारों में पेट्रिस हु और एड, एल्डिस होस का या रोज होल्ट मैकलनी और रॉबर्ट नेपर शामिल है कथानाक रिचर के सिन। सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक पटकथा रिचर्ड विकास केन और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्कोर हस्कोरविटेज है आधारित है ली चार्स पर ने, द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूस द्वारा डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर मैकेस्वी द्वारा अभिनीती है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी इस मार्डल द्वारा अच्छा छायांकर है और वुड का संपादित किया गया बिली वेबर हेनरी जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है इसका डांस टीसी प्रोडक्शन हुआ हुआ मीडिया संगाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 अक्टूबर 2016 को न्यू और में और इक्कीस अक्टूबर 16 2016 को संयुक्त तो राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया कार्यक्रम 118 मिनट अठारह मिनट देश तो अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 60 से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफ़ी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2015 को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई है दुनिया भर में इसने एक मिलियन डॉलर की कमाई करी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएँ प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथान की आलोचना की कथान एक सौ दसवीं अमेरिकी सेना सीआईडी ओकलाहोम सेमंडवुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद और पूर्व अमेरिकी सैन्य पुलिस

फंसाया जा रहा है वह टर्नर के वकील आर्मी जे आर्मी जेएस कर्नल मार्क मूलक्राफ्ट से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मूलक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस डटन्स ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय था ताकि जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बढ़त देती है मूर्कक्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट-पीटकर मार डाला गया है जो एक पूर्व एसओ सीओएम कोर ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या के हत्या के लिए रिचर्ड को फंसाया था रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नर को हिरासत मिल लिया जा रहा था जब जो, जो हिटमैन आते हैं तो वे उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है वे मोर्गन के साथ आ जाते यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मोर्गन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है रिचर और टर्नर ने सामंता की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वह खतरे में है और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंता यह सेम के पास उसका मोबाइल फोन है जिसे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक कर लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रिचर्ड और टर्नल पर को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक प्रत्यक्त परत्य, एक गोदाम में पाते हैं पुरुणोदी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरासो सोर्स से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एस्पिन्स को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गो द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और प्रोधोमी मारा जाता है जबकि रिचर एक घायल एस्पिन को बचाता है और पैरासोर्स के सी जर्नल जेम्स हार्क ने सोम से को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर्ड टर्नल एस्पिन और सदस्यों को एक टीम प्रो, एक प्रोधोमो से मिली जानकारी पर के कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का स्कजार है जहां हथियारों को एक कैप को रखते हैं और जहां वे हार्कनेस और उसके लोगों का सामना करते हैं स्पिन को एंटीटेक हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्क ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जोशैनिको की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्गनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरिक अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग रिचर को टकराव के लिए लुभाने के लिए न्यू ओरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रीचर और टर्नल उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं जब रिचर्ड आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर्ड द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह भोजराने में सेम से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन के में सेम से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी मां को जानता है तो वह उससे पहचान लेगा क्योंकि वह हर, उस, हर महिल, उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह सोया था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेटरेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी मां है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर्ड और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेब में घुस गया था रिचर्ड को सेम का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वह सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानंक में जेक रिचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुशांत टर्नर के रूप में कोबी स्मरल ने किरदार निभाया कैप्टन एसविन के रूप में एल्डिसिन होस नजर आए हैं जेक रिचर की कल पिस् जैविक बेटे सामंता के रूप में दानिया या यारूस ने किरदार निभाया लेफ्टिनेंट सुलीवान के रूप में जेसिका स्ट्रोक ने किरदार निभाया हंटर के रूप में पैट्रिक हॉन्ग सिंगर ने किरदार निभाया कर्नल मार्गन के रूप में होल्ट मैकलिनियदान में है जनरल जेम्स हार्गनेस के रूप में रॉबर्ट नेपड़ ने किरदार निभाया है और सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉटचर ने किरदार निभाया है कर्नल मूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट के कैटरी ने किदार निभाया डेनियल एप्रोधोमे के रूप में ऑस्टिन हैबर्ट ने किरदार निभाया है सेमंडवुड के रूप में जेसन डगलिश ने किरदार निभाया स्थानीय डिप्टी के रूप में जुड जुड लोरमन कितने आए नजर आए हैं जब उत्पादन में देखा जबकि जैक रिचर को एक फिल्म संग्रह के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और नौ दिसंबर सन दो को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर दो में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी और चौदह मई 2014 को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे 19 मई 2015 हजार पंद्रह को डे, डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स जिक क्रूज के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेगी जिक जेविक ने मार्शल हर्स कोविस्ट के रिचर बैंक के साथ पटकथा लिखी जीविक कोक्रूस के से पहले द लास्ट सुपराई पर एक साथ काम किया था चौदह दो हज़ार पंद्रह को कोविस स्मार्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था थ्रिलर फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हेस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास डेवर को बैक पर आधारित है 2012 की यह फिल्म जेक रिटचर की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और कोम्बी इस मर्डर्स जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस हो और एड एल्डिस होस डेनिका या रोज होल्ट मैकलनी और रॉबर्ट नेपर शामिल हैं कथानाग्रिचर के सिन सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिससे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक है पटकथा रिचर्ड विकेन्स कैंक और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्कोरविटे हस्कोर, हस्कोर है आधारित है ली चाइल्ड पर और ने, द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा जो डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर कि, मैक केसवरी द्वारा अभिनीति है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी एस मार्ड द्वारा छायांकर है ओलिवर वुड का संपादित किया गया बिली वेबर संगीत दिए हेनरी जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है स्काई डांस टीसी प्रोडक्शन हुआ हुआ, हुआ मीडिया संगाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 अक्टूबर 2016 को न्यू और ये में और इक्कीस अक्टूबर सोलह दो हज़ार सोलह को संयुक्त तो राज्य अमेरिका में इसको रिलीज़ किया गया कार्यक्रम एक सौ अट्ठारह मिनट देश संयुक्त तो राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफ़ी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी बीस अक्टूबर दो को न्यू ऑरलियन्स में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर 2000 साल में कौन रिलीज हुई है दुनिया भर में इसने 162 मिलियन डॉलर की कमाई और की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथानक की आलोचना की कथानक 110वीं अमेरिकी सेना सीआईडी से नेपोलिस को भ्रष्ट ओकलाहोमा उक, शेरिफ रेमंड वुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक और मेजर जी रिचर वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौट और डीसी मेजर सुसान टंडन से मिलने के लिए जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल सेम मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है वह टर्नर के वकील आर्मी जेएस आर्मी कर्नल मूलक्राफ्ट मू, से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मोक्राफ्ट मौ, मो ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस डटन ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय था के जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बड़ झटक देती है मूर्क्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया है जो एक पूर्व ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था ए, जिसने हत्या के, हत्या के लिए रिचर को फंसाया था रिचर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नर को हिरासत में लिया जा रहा था जब जो, जो हिटमैन आते हैं तो वह उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है मोर्गन के साथ आ जाते यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मोर्गन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वह खतरे में है और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सेम के पास उसका मोबाइल फोन है जिसे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक पर लिया है वे तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डैनियल ए प्रुधोमो की तलाश में न्यू ओरियंस जाते हैं उन हत्याओं का एकमात्र चमत्कार चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रिचर्ड और टर्नल पर परोधोसी को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक परति, एक प्रत्यक्त गोदाम में पाते हैं पुरधोधी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरा सो, सोर्स से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एस्पिन को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गो द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और, और मारा जाता है जबकि रिचर्ड एक घायल एस्पिन को बचाता है और पैरासोर्स के जर्नल जेम्स हार्क ने सेम से को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर्ड टर्नल एस्पिन और सदों को एक टीम प्रोधोमो प्रो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का जाहार है जहां हथियारों को एक खैप को रोकते हैं और जहां वे हर्कनेस और उसके लोगों को का सामना करते हैं एस्पिन को एंटीटैक हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्कनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो सैनिकों की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरी, अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग टीचर को टकराव के लिए लोग लुभाने के लिए न्यू ओरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रिचर और टर्नर उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रिचर्ड आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह भोजनाने में सेम से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन में सेम से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी माँ को जानता है तो वह उससे पहचान लेगा क्योंकि वह हर उस हर महिला उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह सोया था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी माँ है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर्ड और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेब में घुस गया था रिचर्ड को सेम का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वे सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानक में जैक रिचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुशान टर्नर के रूप में कोबी स्मलर्स ने किदा निभाया कैप्टन एसमिन के रूप में एलडिसन हॉज नजर आए हैं जैक रिचर की कल पिस जेविक बेटे सामंता के रूप में दानिया या यारोस ने किरदार निभाया लेफ्टिनेंट सुलीवान के रूप में जेसिका स्ट्रोक ने किदान विभाया हंटर के रूप में पेट्रिक हॉन्ग सिंगर ने किदार निभाया कर्नल सेमार्गन के रूप में होल्ट मैकलिनिय किदार में है जनरल जेम्स हार्कनेस के रूप में रॉबर्ट नेपर्ट ने किरदार निभाया है और सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉटचर ने किरदार निभाया है कर्नल मूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट केटरी ने किदार निभाया है डेनियल धोमे के रूप में ऑस्टिन हैबर्ट ने किरदार निभाया है सैरिफ रेमंड वुड के रूप में जेसन डगलस ने किरदार निभाया स्थानीय डि, डिप्टी के रूप में जुड ए, जुड लोरमन कितने आए नजर आए हैं जब उत्पादन में देखा है जबकि जैक रिचर को एक फिल्म संग्रह के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और 9 दिसंबर सन 2013 को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर दो में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी और चौदह मई 2014 को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे उन्नीस मई 2015 को डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स जीविक के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेंगे पटकथा लिखी जीविक को क्रूज से पहले द लास्ट सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह अगस्त दो हजार पंद्रह कोविश स्मार्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था त्रिजल फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्सल हेस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास डेवर गो बैक पर आधारित है 2012 की यह फिल्म जैकीचर की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और इस कॉम्बिकमर्स जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस होशिंगर और एल्डिस होस डेनिका या होल्ट मैक क्लेनी और रॉबर्ट नेपर शामिल हैं। कथा नागरी के सिन सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक है पटकथा रिचर्ड विकेन्स कैंक और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्कोरविटेज हस्कोर है आधारित है लीचर्ल्स पर उन्हें द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पाद किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा डॉन ग्रेजर द्वारा क्र, क्रिस्टोफर अभिनती है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी भी द्वारा छायांकर है ओलिवर वुड का संपादित किया गया बिली वेबर संघी दिए हेनरी जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है स्काई डांस टीसी प्रोडक्शन Uh, हुआ हुआ मीडिया संघाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 अक्टूबर 2016 को न्यू और में और इक्कीस अक्टूबर 16 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया कार्यक्रम एक सौ अठारह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफ़ी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी बीस अक्टूबर दो को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर दो हजार सोलह को रिलीज हुई है? दुनिया भर में इसने एक मिलियन डॉलर की कमाई करी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की, की लेकिन कथान की आलोचना की कथान एक अमेरिकी सेना सीआईडी सैन्य पुलिस को भ्रष्ट ओकलाहोम उक, सेमंडवुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक और मेजर जी रिचर वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डीसी मेजर सुसान टंडन से मिलने के लिए जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल सेम मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शक्षय से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर्ड का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है। वह टर्नर के वकील आर्मी जे आर्मी जेडी कर्नल मार्क मू, मूलक्राफ्ट से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मो मोक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस डटन ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय था कि जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बड़ झटक देती है मूर्क्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया है जो एक पूर्व एसओ सी ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या, हत्या के लिए रिचर को फंसाया था रिचर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नर को हिरासत में लिया जा रहा था जब जो, जो हिटमैन आते हैं तो वह उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है मोर्गन के साथ आ जाते यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मोर्गन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वह खतरे में है और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सेम के पास उसका मोबाइल फोन है जिसे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक पर लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डैनियल वृद्धोमो पुर्धों, की तलाश में न्यू ओरियंस जाते हैं उन हत्याओं का एकमात्र चमत्कार चश्म दीद गवाह है जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए नशीली पर, दबाव के आदि लोगों से भरे एक प्रत्यक्त एक गोदाम में पाते हैं पुरुदोदी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरासो सोर्स से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एस्पिन को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और धोमी मारा जाता है जबकि रिचर्ड एक घायल एस्पिन को बचाता है और पैरासोर्स के जर्नल जेम्स हार्क ने सेम से को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर्ड टर्नल एस्पिन और को एक टीम प्रो, एक प्रोधोमो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का जाहार है जहां हथियारों को एक खैप को रोकते हैं और जहां वे हर्कनेस और उसके लोगों को का सामना करते हैं एस्पिन को एंटीटैक हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया है कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्कनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो सैनिकों की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरि, अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग टीचर को टकराव के लिए लोग लुभाने के लिए न्यू ओरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रिचर और टर्नर उसके गुर्गो को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रिचर आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह सेम से मिलते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी मां को जानता है तो वह उससे पहचानना लेगा क्योंकि वह हर उस हर महिला उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी मां है इसलिए रिचर उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेब में घुस गया था रिचर्ड को सेम का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वह सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानक में जैक रिचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुशान टर्नर के रूप में कोबी स्मलर्स ने किदा निभाए कैप्टन एसमिन के रूप में एल्डिसिन हॉज नजर आए हैं जैक रिचर की कल पिस जेविक बेटे सामंता के रूप में दानिया या यारूस ने किरदार निभाया लेफ्टिनेंट सुली, सुलीवान के रूप में जेसिका स्ट्रोक ने किरदार निभाया हंटर के रूप में पैट्रिक हॉन्ग सिंगर ने किरदार निभाया कर्नल मार्गन के, के रूप में होल्ट मैकली किदार निभाया है जनरल जेम्स हार्गनेस के रूप में रॉबर्ट नेपड़ ने किरदार निभाया है और सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉटचर ने किरदार निभाया है कर्नल मूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट के केटरीन ने किरदार निभाया डेनियल प्रो प्रोधोमे के रूप में ऑस्टिन हैबर्ट ने किरदार निभाया है सैरिफ रेमंड वुड के रूप में जेसन डगलिश ने किरदार निभाया स्थानीय डि, डिप्टी के रूप में जुड ए, जुड लोरमन कितने आए नजर आए हैं जब उत्पादन में देखा जबकि जैक रिचर को एक फिल्म संग्रह के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और 9 दिसंबर सन दो को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर दो में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी और चौदह मई 2014 को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे 19 मई 2015 को डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स जीविक क्रूज के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेगी करेंगे ने के रिचर्ड बैंक के साथ पटकथा लिखी जीविक को क्रूज से पहले द लास्ट सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह अगस्त दो हजार पंद्रह कोविड स्मार्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हेस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास डेवर गो बैक पर आधारित है 2012 की यह फिल्म जैकीचर की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और इस मर्डर्स जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस होशिंगर हु। और एड एल्डिस होस डेनिका या रोस होल्ट मैक क्लनी और रॉबर्ट नेपर शामिल हैं कथा नागरी के सिन सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक है पटकथा रिचर्ड विकेन्स कैंक और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्कोरविटेज हस्कोर है आधारित है लीचर्ल्स पर और द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा जो डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर मैक मैकेश्वरी द्वारा अभिनीति है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी एस मार्ड द्वारा छायांकर है ओलिवर वुड का संपादित किया गया बिली वेबर संगीत दिए हैंनरी जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है स्काई डांस टीसी प्रोडक्शन हुआ हुआ मीडिया संघाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 अक्टूबर 2016 को न्यू और में और इक्कीस अक्टूबर सोलह दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया कार्यक्रम 118 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफ़ी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी बीस अक्टूबर दो को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर 2000 साल में कौन रिलीज हुई है दुनिया भर में इसने 162 मिलियन डॉलर की कमाई और की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथानक की आलोचना की कथानक 110वीं अमेरिकी सेना सीआईडी से नेपोलिस को भ्रष्ट ओकलाहोमा उक, शेरिफ रेमंड वुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक और मेजर जी रिचर्ड वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डीसी मेजर सुसान टर्नर से मिलने के लिए जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल सेम मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है वह टर्नर के वकील आर्मी जेएस आर्मी कर्नल मूलक्राफ्ट मू, से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मोरक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस डटन ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय था जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे झिटक देती है मोरक्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया है जो एक पूर्व एसओ सी ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या, हत्या के लिए रिचर को फंसाया था रिचर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नर को हिरासत में लिया जा रहा था जब दो तो हिटमैन आते हैं तो वह उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है मोर्गन के साथ आ जाते यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मोर्गन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वह खतरे में है और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सेम के पास उसका मोबाइल फोन है जिसे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक पर लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डैनियल प्रोमो पुर्धों, की तलाश में न्यू ओरियंस जाते हैं उन हत्याओं का एकमात्र चमत्कार चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रिचर्ड और टर्नल पर को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक प्रत्य प्रत्यक्त गोदाम में पाते हैं पुरुधोधी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरा सो, सोर से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एस्पिन को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और धोमी मारा जाता है जबकि रिचर्ड एक घायल एस्पिन को बचाता है और पैरासोर्स के जर्नल जेम्स हार्क ने सेम से को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर्ड टर्नल एसपिन और सदों को एक टीम प्रोधोमो प्रो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का जाह है जहां हथियारों को एक खैप को रोकते हैं और जहां वे हरकनेस और उसके लोगों को का सामना करते हैं एस्पिन को एंटीटैक हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया है कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्कनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो सैनिकों की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरि, अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग टीचर को टकराव के लिए लोग लुभाने के लिए न्यू ओरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रिचर और टर्नल उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रिचर आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह भोजनाने में सेम से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन में सेम से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी मां को जानता है तो वह उससे पहचानना लेगा क्योंकि वह हर उस हर महिला उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वे वास्तव में उसकी माँ है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर्ड और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेब में घुस गया था रिचर्ड को सेम का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वह सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानांक में जैक रिचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुसान टर्नर के रूप में कोबी स्मलर्स ने किदा निभाए कैप्टन एसमिन के रूप में एल्डिसिन हॉज नजर आए हैं जैक रिचर की कल पिस जेविक बेटे सामंता के रूप में दानिया या ने किरदार निभाया लेफ्टिनेंट सुलीवान के रूप में जेसिका स्ट्रोक ने किरदार निभाया हंटर के रूप में पैट्रिक हॉन्ग सिंगर ने किरदार निभाया कर्नल से मार्गन के रूप में होल्ट मैकलिन मैकली किदार निभाया है जनरल जेम्स हार्गनेस के, के रूप में रॉबर्ट नेपड़ ने किरदार निभाया है और सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉटचर ने किरदार निभाया है कर्नल मूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट के कैटरी ने किरदार निभाया डेनियल प्रोधोमे के रूप में ओस्टिन हैबर्ट ने कि दाने निभाया है सैरी रेमंड वुड के रूप में जेसन डगलिश ने किरदार निभाया स्थानीय डि, डिप्टी के रूप में जुड ए, जुड लोरमन कितने आए नजर आए जब उत्पादन में देखा है जबकि जैक रिचर को एक फिल्म संग्रह के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और 9 दिसंबर सन दो को पैरामाउंट पिक्चर और इसकाई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर दो में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी और 14 मई 2014 को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे 19 मई 2015 को डे, डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेगी ने जेविक के के बैंक साथ पटकथा लिखी जीविक को क्रूज से पहले द लास्ट सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह अगस्त दो हजार पंद्रह कोविड स्मार्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हैस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास दर गो बैक पर आधारित है 2012 की यह फिल्म रिचर्ड की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और इस कॉम्बल्स जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस हु और एल्डिस होस डैनिका होल्ट मैक क्लेनी और रॉबर्ट नेपर शामिल हैं। कथा नागरी के सिन सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक है पटकथा रिचर्ड विकेन्स कैंक और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्कोरविटेज हस्कोर है आधारित है लीचर्ड्स पर उन्हें द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा जो डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर मैक के द्वारा अभिनीती है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी इस एस द्वारा छायांकर है ओलिवर वुड का संपादित किया गया बिली वेबर संगीत दिए हेनरी जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है स्काई डांस टीसी प्रोडक्शन Uh, हुआ हुआ मीडिया संघाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 अक्टूबर 2016 को न्यू और में और इक्कीस अक्टूबर सोलह दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफ़ी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2015 को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर 2015 में कोन रिलीज हुई है दुनिया भर में इसने 162 मिलियन डॉलर की कमाई के लिए और की के और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथानक की आलोचना की कथानक 110वीं अमेरिकी सेना सीआईडी से नेपोलिस को भ्रष्ट ओकलाहोमा उक, थेरिफ रेमंड वुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अनवेस्क अन्वे, और मेजर जी रिचर्ड वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डीसी मेजर सुसान टंडन से मिलने के लिए जिस जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल से, मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया शक्षय से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर्ड का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है वह टर्नर के वकील आर्मी जेएस आर्मी कर्नल मूलक्राफ्ट मू, से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मोरक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस डटन्स ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय के जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बढ़ झक देती है मोरक्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया है जो एक पूर्व एसओ सी ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या, हत्या के लिए रिचर को फंसाया था रिचर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नर को हिरासत में लिया जा रहा था जब दो तो हिटमैन आते हैं तो वे उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है वे मर्गन के साथ आ जाते। यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मर्गन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है। रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वह खतरे में है और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता-पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सेम के पास उसका मोबाइल फोन है जिसे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक पर लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डैनियल ए प्रुधोमो की तलाश में न्यू ओरियंस जाते हैं उन हत्याओं का एकमात्र चमत्कार चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रिचर्ड और टर्नर पर परोधोसी को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक प्रत्य प्रत्यक्त गोदाम में पाते हैं पुरुधोदी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरा सोर्स से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी एस्पिन को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गो द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और, और मारा जाता है जबकि रिचर एक घायल एस्पिन को बचाता है और पेरासोर्स के सी जर्नल जेम्स हार्क ने से को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर्ड टर्नल एस्पिन और सबसदों को एक टीम प्रोधोमो प्रो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का जा है जहाँ हथियारों को एक खैप को रोकते हैं और जहाँ वे हार्कनेस और उसके लोगों को का सामना करते हैं एस्पिन को एंटीटैग हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्कनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो सैनिकों की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरि, अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग टीचर को टकराव के लिए लोग लुभाने के लिए न्यू ओरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रिचर और टर्नल उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रिचर आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह भोजना में सेम से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन में सेम से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी मां को जानता है तो वह उससे पहचानना लेगा क्योंकि तो वह हर उस हर महिला उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वे वास्तव में उसकी माँ है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर्ड और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेब में घुस गया था रिचर्ड को सेम का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वह सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानक में जेक रिचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुशान टर्नर के रूप में कोबी स्मलर्स ने किदा निभाया कैप्टन एसमिन के रूप में एलडिसन हॉज नजर आए हैं जेक रिचर की कल पिस जेविक बेटे सामंता के रूप में दानिया या यारूस ने किरदार निभाया लेफ्टिनेंट सुली, सुलीवान के रूप में जेसिका स्ट्रोक ने किरदार निभाया है हंटर के रूप में पैट्रिक हॉन्ग सिंगर ने किरदार निभाया कर्नल से मार्गन के रूप में होल्ट मैकली किरदार में है जनरल जेम्स हार्गनेस के रूप में रॉबर्ट नेपर्ड ने किरदार निभाया है और सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉटचर ने किरदार निभाया है कर्नल मूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट के केटरी ने किरदार निभाया है डेनियल प्रोधोमे के रूप में ऑस्टिन हैबर्ट ने किरदार निभाया है सैरी रेमंड वुड के रूप में जेसन डगलिश ने किरदार निभाया स्थानीय डिप्टी के रूप में जुड जुड लोरमंड कितने आए नजर आए हैं जब उत्पादन में देखा है जबकि जैक रिचर को एक फिल्म संग्रह के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और 9 दिसंबर सन 2013 को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर दो में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी और चौदह मई 2014 को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे 19 मई 2015 को डे, डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेगी करेंगे ने मार्शल को के हर्सोटर बैंक के साथ पटकथा लिखी जीविक को के से पहले द लास्ट सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह अगस्त दो हजार पंद्रह कोबिस स्मार्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था तीसरा फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हेस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास डेवर को बैक पर आधारित है 2012 की यह फिल्म जैक रिचर्ड की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और इस मर्डर्स जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस हु और एल्डिस होस डैनिका याल्ट मैक क्लिनी और रॉबर्ट नेपर शामिल हैं। कथा नागरी के सिंह सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक है पटकथा रिचर्ड विकेन्स कैंक और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्कोरविटे हस्कोर, हस्कोर है आधारित है रिचर्ड्स पर और द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पादित किया टॉम क्रूज द्वारा जॉन डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर कि, मैककेस्वी द्वारा अभिनीत है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी इस मॉडल्स द्वारा छायांकर है ओलिवर वुड का संपादित किया गया बिली बिलीवेबल संगी दी हैन्री जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है स्काई डांस टीसी प्रोडक्शन Uh, हुआ हुआ मीडिया संघाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है 16 अक्टूबर 2016 को न्यू और में और इक्कीस अक्टूबर 16 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफ़ी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2015 को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर दो हज़ार सोलह को रिलीज़ हुई है दुनिया भर में इसने एक मिलियन डॉलर की कमाई के लिए और आलोचकों से मिसरी समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथानांग की आलोचना की कथानांग एक सौ अमेरिकी सेना सी आई सैन्य को भ्रष्ट और उक, उकलाहोम रेमंड वुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक और मेजर जी रिचर्ड वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डी मेजर सुसान टंडन से मिलने के लिए जिस जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल से मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है वह टर्नर के वकील आर्मी जेएस आर्मी कर्नल मूलक्राफ्ट मू, से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मोरक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस डटन्स ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय जैविक पिता और रिचर्ड उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बढ़ झटक देती है मोरक्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट-पीट कर मार डाला गया है जो एक पूर्व एसओ सीओएम कॉर्पोरेट ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था ए, जिसने हत्या की हत्या के लिए, लिए रिचर्ड को फंसाया था रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नर को हिरासत में लिया जा रहा था जब जो, जो हिटमैन आते हैं तो वह उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है मोर्गन के साथ आ जाते यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मोर्गन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वह खतरे में है और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लेटरनल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सेम के पास उसका मोबाइल फोन है जिससे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक पर लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डैनियल ए प्रथोम की तलाश में न्यू ऑरलियन्स जाते हैं उन हत्याओं का एकमात्र चमन चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह, वह है थी वित्तीय सहायता करने के लिए दायर किया था और टर्नल पर, को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक प्रत्यक्त गोदाम में पाते हैं पुरुदोदी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरासो सोर्स से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी ए, को संपर्क संपर्क से संपर्थ करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गो द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और मारा जाता है जबकि रिचर्ड एक घायल एस्पिन को बचाता है और पैरासोर्स के जर्नल जेम्स हार्क ने को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर्ड टर्नल एस्पिन और सबसदों को एक टीम प्रोधोमो प्रो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का जाहार है जहां हथियारों को एक खैप को रोकते हैं और जहां वे हर्क स्नेस और उसके लोगों को का सामना करते हैं एस्पिन को एंटीटैक हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्क ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो सैनिकों की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरि, अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोग टीचर को टकराव के लिए लोग लुभाने के लिए न्यू ओरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रिचर्ड और टर्नर उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रिचर्ड आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरगनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह भोजनाने में सेम से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन के सेम से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी माँ को जानता है तो वह उससे पहचानना लेगा क्योंकि वह हर उस हर महिला उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी माँ है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर्ड और सेम फिर अनिश्चितता से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेब में घुस गया था रिचर्ड को सेम का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वे सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानक में जेक रीचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुसान टर्नर के रूप में कोबी स्मलर्स ने के दावे कैप्टन एस्मिन के रूप में एलडी सिंह होज नजर आए हैं जेक रीचर की कल पित जैविक बेटी Samantha के रूप में दानिया या या यारूस ने किरदार निभाया लेफ्टिनेंट सुलीवान के रूप में जेसिका स्ट्रोक ने किरदार निभाया हंटर के रूप में पेट्रिक हॉन्ग सिंगर ने किरदार निभाया कर्नल से मार्गन के रूप में होल्ट मैकलिनिय किदार निया है जनरल जेम्स हार्गनेस के रूप में रॉबर्ट नेपड़ ने किरदार निभाया है और सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉटचर ने किरदार निभाया है कर्नल मूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट के ने किरदार निभाया डेनियल प्रो प्रोधोमे के रूप में ऑस्टिन हैबर्ट ने किरदार निभाया है सैरिफ रेमंड वुड के रूप में जेसन डगलिस ने किरदार निभाया स्थानीय डिप्टी के रूप में जुड जुड लोरमन कितने आए नजर आए हैं जब उत्पादन में देखा है जबकि जैक रिचर्ड को एक फिल्म संग्रह के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और 9 दिसंबर सन 2013 को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर दो में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी और चौदह मई 2014 को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे उन्नीस मई 2015 को डे, डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेगी ने जेविक के के बैंक साथ पटकथा लिखी जीविक को के से पहले द लास्ट सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह अगस्त दो हजार पंद्रह कोविड स्मार्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हैस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास डेवर गो बैक पर आधारित है 2012 की यह फिल्म रिचर्ड की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और इस मर्डर्स जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस हु और एल्डिस होस डैनिका होल्ट मैक क्लनी और रॉबर्ट नेपर शामिल है कथा नागरी के सिन सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक है पटकथा रिचर्ड विकेन्स केंक और एडवर्ड जीविक और मार्सल हस्कोरविटेज हस्कोर है आधारित है लीचर्ल्स पर और द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा जो डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर कि, मैकेश्वरी द्वारा अभिनीति है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी एस मर्ड द्वारा छायांकर है ओलिवर वुड का संपादित किया गया बिली वेबर संगी दिए हेनरी जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है स्काई डांस टीसी प्रोडक्शन Uh, हुआ हुआ मीडिया संघाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज़ की तारीख है 16 अक्टूबर 2016 को न्यू और में और इक्कीस अक्टूबर 16 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज़ किया गया कार्यक्रम एक सौ अट्ठारह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट साठ से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफ़ी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी बीस अक्टूबर दो को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर दो हजार सोलह को रिलीज हुई है। दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई करी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की, की लेकिन कथान की आलोचना की कथान एक सौ अमेरिकी सेना सीआईडी सैन्य से पुलिस को भ्रष्ट ओकलाम उक, सेफ रेमंडुड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद ड्रिफ्ट और पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक और मेजर जी रिचर वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डी मेजर सुसान टंडन से मिलने के लिए जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल सेम मार्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया से पता चला कि टर्नर अफगानिस्तान में दो अमेरिकी सेना सांसद सैनिकों की हत्या में शामिल है लेकिन रिचर का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है वह टर्नर के वकील आर्मी जेएस आर्मी कर्नल मूलक्राफ्ट मू, से मिलता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है मू मूक्राफ्ट ने उसे सूचित किया कि उनके एक पुराने परिचित कैडिस डटन ने उसके खिलाफ पितृत्व मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया कि वह उनके पंद्रह वर्षीय बेटे था कि जैविक पिता और 리처 उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह है उसे बढ़त देती है मूक्राफ्ट के बाद बाद में हंटर द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया है जो एक पूर्व ऑपरेटर से भाड़े का सैनिक बना था जिसने हत्या, हत्या के लिए रिचर को फंसाया था रिचर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल ले जाया गया जहां टर्नर को हिरासत में लिया जा रहा था जब जो, जो हिटमैन आते हैं तो वे उन्हें मार गिराता है और टर्नर के साथ भाग जाता है मोर्गन के साथ आ जाते यह अनुमान लगाकर कि वह साजिश में शामिल है हंटर बाद में मोर्गन को मार देता है और रिचर्ड को फिर से फंसा देता है रिचर्ड और टर्नर ने सामंथा की निगरानी तस्वीरें उजागर की और अनुमान लगाया कि वह खतरे में है और उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता पिता की हत्या कर दी गई है और उसे छिपा दिया गया है तीनों सुरक्षा के लिए टर्नल के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि सामंथा यह सेम के पास उसका मोबाइल फोन है जिसे दुश्मन ने संभवतः ट्रैक पर लिया है वह तेजी से बाहर निकलते हैं और इस दौरान सेम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है तीनों डैनियल ए वृद्धों की तलाश में न्यू ओरियंस जाते हैं उन हत्याओं का एकमात्र चमत्कार चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नल को फंसाया गया है रास्ते में सेम ने खुलासा किया है कि वह वह थी जिसने अपनी मां के लिए रिचर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था रिचर्ड और टर्नल परोधोसी को नशीली दबाव के आदि लोगों से भरे एक एक प्रत्यक्त गोदाम में पाते हैं पुरुधोदी एक निजी सैन्य संगठन है जो बेरा सोर्स से जुड़ा हुआ निकलता है जो हत्याओं को छुपाने कोशिश कर रहा है रिचर्ड टर्नर को हिरासत में लेने के लिए उसके दोस्त कैप्टन एंथोनी ए, को संपर्क से संपर्क करता है लेकिन पैरासोर्स के गुर्गों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और धोमी मारा जाता है जबकि रिचर्ड एक घायल एस्पिन को बचाता है और पैरासोर्स के जर्नल जेम्स हार्क ने को पकड़ने के लिए हंटर भेजते हैं रिचर्ड टर्नल एस्पिन और सद को एक टीम प्रोधोमो प्रो से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए देश में प्रवेश करने का जाहार है जहां हथियारों को एक खैप को रोकते हैं और जहां वे हरकनेस और उसके लोगों को का सामना करते हैं एस्पिन को एंटीटैक हथियार मिले जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में घोषित किया गया कि उन्हें यह भी पता चला कि हार्कनेस ने टर्नर को जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था जो सैनिकों की हत्या के लिए फंसाया था जिन्होंने पाया था कि हार्कनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा है अमेरिका ने अमेरि, अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा है हंटर और उसके लोक रीचर को टकराव के लिए लुभाने के लिए न्यू ओरियंस में सेम का पीछा करते हैं जबकि रिचर्ड और टर्नर उसके गुर्गों को मारते हैं और हंटर सेम को छत पर पकड़ लेते हैं हालांकि जब रिचर्ड आती है तो वह भागने में सफल हो जाती है और वह हंटर से निपटता है और उसके बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसका अंत रिचर द्वारा हंटर के हाथ पर और गर्दन को तोड़ने के साथ होता है इसके शरीर को उसके शरीर को छत से नीचे फेंकने से पहले हरनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है रिचर्ड संपर्क में रहने का वादा करता है और फिर यह भोजनालय में सेम से मिलते हैं वे उससे फिर एक भोजन के में सेम से मिलने जाते हैं और उससे कहता है कि अगर वह उसकी मां को जानता है तो वह उससे पहचानना लेगा क्योंकि वह हर उस, हर महिल, उस महिला को याद करता है जिसके साथ वह सोया था सामंथा को खुलासा किया कि जो वेट्रेस उसकी सेवा कर रही थी वह वास्तव में उसकी मां है इसलिए रिचर्ड उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना था रिचर्ड और सेम फिर से अलग हो जाते हैं जब वह सड़क पर चल रहा तो वह एक फोन का सुनकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जेब में घुस गया था रिचर्ड को सेम का एक, टे, एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि अभी तक मेरी याद आ रही है वे सवारी करने के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हैं इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के कथानक में जेक रीचर के रूप में टॉम क्रूज एक पूर्व अमेरिकी सेना सेनेय पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आया है मेजर सुशान टर्नर के रूप में कोबी स्मलर्स ने की दावेय कैप्टन एस्मिन के रूप में एलडी सिंह नजर आए हैं जेक रीचर की कल पित जैविक बेटी Samantha के रूप में दानिया या या यारूस ने किरदार निभाया लेफ्टिनेंट सुली, सुलीवान के रूप में जेसिका स्ट्रोक ने किरदार निभाया हंटर के रूप में पैट्रिक हॉन्ग सिंगर ने किरदार निभाया कर्नल मार्गन के रूप में होल्ट मैकली किदार निभाया है जनरल जेम्स हार्कनेस के रूप में रॉबर्ट नेपढ़ ने किरदार निभाया है और सार्जेंट लीच के रूप में मेडलिन हॉटचर ने किरदार निभाया है कर्नल मारूरक्राफ्ट के रूप में रॉबर्ट के चैटरी ने किरदार निभाया डेनियल प्रो धोमे के रूप में ओस्टिन हैबर्ट ने किरदार निभाया है सैरिफ रेमंड वुड के रूप में जेसन डगलेश ने किरदार निभाया स्थानीय डि, डिप्टी के रूप में जुड ए, जुड लोरमन कितने आए नजर आए हैं जब उत्पादन में देखा है जबकि जैक रिचर को एक फिल्म संग्रह के लिए तंबू पोल बनाने का इरादा था उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर इसके कमजोर प्रदर्शन के कारण शुरुआत में अगली कड़ी संभावना नहीं बताई गई थी फरवरी 2013 में फिल्म में दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई और 9 दिसंबर सन दो को पैरामाउंट पिक्चर और स्काई डांस मीडिया की घोषणा की वे एक दूसरे की फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे थे जो कथित तौर पर दो में जैक रिचर के उपन्यास ने, नेवर गो बैक पर आधारित थी और चौदह मई 2014 को यह बताया गया कि टॉम क्रूज जैक रिचर की भूमिका की दोबारा निभा रहे थे उन्नीस मई 2015 को डे, डेटलाइट में बताया गया कि एडवर्ड्स जीविक क्रूज के साथ दोबारा टीम बनाएंगे और फिल्म का निर्देशन करेगी करेंगे ने मार्शल रिचर्ड बैंक के रिचर साथ पटकथा लिखी जीविक को क्रूज से पहले द लास्ट सुमराई पर एक साथ काम किया था चौदह अगस्त दो हजार पंद्रह कोविश स्मार्स को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था थ्रिलर फिल्म है जो एडवर्ड्स जीविक द्वारा निर्देशित और जीविक रिचर्ड विवेक और मार्शल हेस्कोरविटिज द्वारा लिखित है और ली चाइल्ड्स के 2013 के उपन्यास डेवर को बैक पर आधारित है 2012 की यह फिल्म जैक रिचर्ड की अगली कड़ी है फिल्म में टॉम क्रूस और इस मर्डर्स जबकि सहायक कलाकारों में पैट्रिस हु और एड एल्डिस होस डेनिका या रोस होल्ट मैक क्लेनी और रॉबर्ट नेपर शामिल हैं कथा नागरी के सिन सेना के एक मेजर के साथ भागने पर आधारित है जिसे जासूसी के आरोप में फंसाया गया क्योंकि दोनों एक गहरी साजिश का खुलासा करते हैं फिल्म का निर्देशक एडवर्ड जीविक है पटकथा रिचर्ड विकेन्स कैंक और एडवर्ड जीविक और मार्शल हस्कोरविटेज हस्कोर है आधारित है ली चाइल्ड और ने द्वारा नेवर गो बैक पर उत्पादित किया टॉम टौ, क्रूज द्वारा जो डॉन ग्रेजर द्वारा क्रिस्टोफर मैक मैकेश्वरी द्वारा अभिनीति है टॉम क्रूज और बॉबी कोबी एस मार्ड द्वारा छायांकर है ओलिवर वुड का संपादित किया गया बिली वेबर संगीत दिए हैंनरी जैकमैन ने उत्पादन कंपनी है स्काई डांस टीसी प्रोडक्शन Uh, हुआ हुआ मीडिया संघाई और फिल्म समूह द्वारा वितरित किया गया था श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा रिलीज की तारीख है सोलह अक्टूबर 2016 को न्यू और में और इक्कीस अक्टूबर सोलह दो को संयुक्त राज अमेरिका में इसको रिलीज़ किया गया कार्यक्रम 118 मिनट देश संयुक्त राज अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 60 से छानवे मिलियन डॉलर का था और इसने काफ़ी अच्छी कमाई की मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2015 को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर दो हजार सोलह को रिलीज हुई है? दुनिया भर में इसने एक मिलियन डॉलर की कमाई और की के और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की लेकिन कथान की आलोचना की कथान एक 110 भी अमेरिकी सेना सीआईडी सैन्य से पुलिस को भ्रष्ट ओकलाम उक, सेफ रेमंड उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी भंडाफोड़ करने में मदद करने के बाद और पूर अमेरिकी सेना अन्वे, और मेजर जी रिचर्ड वाशिंगटन में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटाए और डीसी मेजर सुसान टंडन से मिलने के लिए जिस, जिनके साथ वे अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहे थे उसे कर्नल सेम मार्गन से पता चला।